क्या उम्मीद है सातों सालों से दिल्ली में क्या उम्मीद है बीजेपी? देखिए दिल्ली बीजेपी के साथ है, दिल्ली मोदी जी के साथ है, सातों सीटें आएगी और मनोज तिवारी जी रिकॉर्ड वोटों से चुनकर आएंगे। आपकी कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, क्या लग रहा है चैलेंजिंग? देखिए ये लड़ाई देशभक्त मनोज तिवारी बनाम भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार कहने वाले कन्हैया कुमार की लड़ाई है, दिल्ली देशभक्तों के साथ खड़ी हो। 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, 400 पार का नारा, आपको क्या उम्मीद है इस बार? 5-6 दिन होने वाला है। देखिए ये नारा पूरा होगा और हर फेस में बीजेपी की बढ़त और एनडीए की बढ़त बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने आज एक रैली की, राहुल गांधी ने कहना है अगर उनकी सरकार बनी तो अपनी वीर स्कीम को वो खत्म कर देंगे, डस्टबिन में डाल। राहुल गांधी को न देश समझता है, न मिलिट्री समझती है, न सुरक्षा समझती है, न किस प्रकार से देश को लीड किया जाता है समझता है, इसलिए उनके इस बयान पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कोई समझदार आदमी बोले तो बात करूं। पीएम के ऊपर बार बार अटैक करते हैं, कहते हैं वो हमें कॉपी करते हैं। पीएम के ऊपर बार बार राहुल गांधी अटैक करते हैं, कहते हैं वो हमें कॉपी करते हैं। यहाँ तक क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ हंसूंगा इसके ऊपर, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा महाराष्ट्र में मनोरंजन चल रहा है, मनोरंजन महाराष्ट्र में क्या होते हैं? 48 सीटों में हम रिकॉर्ड सीटें जीते।